दस साल से हम बांग्लादेश में आते हैं, यहाँ पे आए कभी? फर्स्ट बार इधर में आए बांग्लादेश का। देखिए खेती है, छोटे छोटे घर है, बारी का टाली का खाना बनाया जी, दाल भात चोखा अचार और एक तिलौरी है। मछली पालन भी किया जाता है। हिंदी बोलिएगा तो आपको पकड़ लेगा, इंडिया से आया है, पकड़ो इसको। मेरा कैमरामैन है बांग्लादेश का आदमी, की नाम अपना सुब्रत सरकार। नमस्कार भाई लोग, कैसे आप सभी? आप सभी को मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और मैं भी हूँ बांग्लादेश में, गाड़ी काल रात को खाली नहीं किया, अभी देखिए अभी आएगा तो खाली करेगा। देखिए चाचा गाड़ी पे बैठे हुए हैं। का जी ठीक हुआ होगा तो अभी आएंगे ना, अभी टाइम बज रहा है 8, तो अभी आएंगे तो खाली उली करेंगे। देगा सो एक गमछा ले लेगा, गमछा ये देगा सेन। हिंदी यहाँ पर नहीं समझते तो बांग्ला में बोलना पड़ेगा। वो सामने में बस्ती है, आगे यहाँ से आगे जा नहीं सकते है। हमारा इंडिया में है, कोई रोक टोक नहीं है। इंडिया से बाहर बॉर्डर से बाहर गया, कोई रोक टोक नहीं है। हिंदी बोलो, बांग्ला बोलो, कोई नहीं आपको नहीं पूछने वाला है। अगर यहाँ बताइए, यहाँ से आगे नहीं जा सकते हम। की गो गमछा कत कर आछे? गमछा 200 दाम आछे। कत? 800 টাকা ফোন, 200 টাকার মধ্যে গামছা। আরে বাবা, এই কি গামছা আছে? এটা অনেক বড়, ছোট লাগবে আমাকে। ছোট আছে? ছোট নেই, ছোট আছে। দেখান তো ছোট। এক মিনিট। এ তো এক লে লেতে হ্যাঁ, সমঝে কি নেই? এদিকে আসো। আসো এদিকে আসো। हमको मुंह देख रहा है, देखिए भाई साहब है बांग्लादेश के है। बहुत इंडियन को तो 140, बांग्ला 160 भाड़ो को दाम बोलें। ठीक है, चले चले आप बात ही बोले तो काका बोलवे, हमार सिर जी बोलवे। यहाँ पर देख रहे हैं मुर्गी बहुत है जी, एक मुर्गी पकड़ेगा देखिए ना, देखिए ये खाली मुर्गी बत्तख है, समझे कि नहीं? भाजी साहब ना, भाजी साहब संबंध। हाँ, 120 रुपया में गमछा लिए, सुंदर है। वैसे भी 20 रुपया महंगा है, कोई बात नहीं है। की कहगा भालो? इंशाल्लाह भालो। बोनी वाला फौजी कैंप है, तन्नी की झोपड़ी है, तो यहाँ से आगे एंटर नहीं करना है। वहाँ के चाचा है ना साथ में, तो इनका यहाँ पर भाई का घर है। की गो घर है ये? भाई साहब क्या बेच रहा है, खिलौना? की गो क्या अच्छे? ये तो हार बाबा रे, ये तो सोना के हार अच्छे। कत दाम? 1200। এটা কি? এটা এটা এ পোলা আছে, পোলা পোলা না, সব সোনা, খেলাওনা ভালো। এ দাম এদি অনেক। তো দেখি সাইকেল পে ভাইয়া বেচ রে, পেলে মো বচপন মে থে তো মেরা গাঁও মে ঘুম কে বেচতা থা, তবে তো নেই বেচতা হ্যায়, সব সিস্টেম হট গয়া, দোকান উকান খুল গয়া হ্যায়। কি গো ইস সোনা চেন করো দাম? ওগুলা 60 টাকা। 60 रुपया का है चैन है, रंग जल्दी जाता नहीं है ना, रंग जाए नहीं। ठीक है, खबा हो गए थे। चलिए देखिए इधर का घर, देखिए कैसा घर है बांग्लादेश का, छोटे छोटे घर है। देखिए घर के साइड में पानी का, देखिए कितना एकदम तकलीफी में आदमी लोग रहता है जी। 10 साल से हम बांग्लादेश में आते हैं, यहाँ पे आए कभी? फर्स्ट बार इधर में आए, क्योंकि इधर में आना अलाउ नहीं है ना, नहीं आने देता है। फौजी है, चाचा थे, उसलिए हमको आने दे रहा है, कुछ बोले नहीं है। तो जब वो वीडियो बना रहा होगा, कोई बात नहीं है, बस ले रहा है ये। देखिए इधर के, देखिए बांग्लादेश का, देखिए खेती है, पानी उनी, देखिए इधर में खाली मुर्गी है जी, खाली जहाँ पर देखिए घर, छोटे छोटे घर है, बारी का टाली का। देखिए घर के साइड साइड में है ना पानी है जी, देखते कैसे आदमी सब रहता है। सब दह जाता है ना, कत मा जाए बोलते गाड़ी बोलते? 1000 ईटा बताइए भैया, इसमें 1000 ईटा जाता है ये तन्नी को गाड़ी में। एक चाइना की गाड़ी है, आप लोग को पहले दिखाए थे वीडियो में। भाई लोग हम लोग बहुत आगे चले आए, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ भैया लोग, खाली पानी है, एकदम नदी है, ये सब मछली पड़ा ना, पोखरी पुकुर तालाब, देखिए तालाब, यहाँ बंगाल में पुकुर बोलता है। देखिए जहाँ तक नजर आ रहा है पूरे में तालाब है, सब में मछली पालन किया जाता है। तो बहुत अंदर में आ गए, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे थोड़ा सा आगे ना बाजार है, साइथखेरा ना, साइथखेरा बाजार लगता है, बड़ा बाजार है, छोटो बाजार, बोरो बाजार, तुम गे चो? हाँ, मार्केट ना होता, तुम गे चो? ये गए है
तो हम नहीं जाएंगे। देखिए भाई साहब भिंडी बेच रहा है, अरे देखिए करेला कैसा है, पूछते हैं ले लेंगे खाने बनाने के लिए। अरे भैया कत को आचे 20 टका किलो, मस्त भिंडी है, थोड़ा दे दो ना यार, इतना इतना हो जा रहा, एक तुझे दे दो, दे दो पैसा दे रहा है, दे दो बोलता है दिया जावे ना, पर नहीं देंगे, कोई लेके जाएगा ना ना, वीडियो बच्ची समझे कि नहीं, नहीं दिया जी, थोड़ा दे देता क्या हो जाता, पैसा दे देते। चलिए कुछ बना लेंगे, आलू उलू का भुजिया भुजिया, बस चलते हैं गाड़ी में, बहुत घूम लिए चारों तरफ, मजा आ गया आज अंदर में। देखिए बना इसका ब्रेड, ब्रेड सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है, और ये केला हवा जो है जच्चा भी खाएगा, समझे कि नहीं, भूख लगल है, रात के नहीं खाए, एक छोटा छोटा ब्रेड है जी, बोलो ना वो नहीं, एक केला और ब्रेड सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है हम लोग का, मीठा हूँ अनेक मिस्टी मीठा बहुत है। मेरा कैमरा मैन है बनारस का आदमी, की नाम अपना, सुब्रत सरकार, हिंदू 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 लो की बोल रहे हैं, प्याज की बोल रहे हैं, प्याज का करी, प्याज का, ओ प्याज के काम करते हैं, यहाँ के हिंदू है बनारस के, हेलो सब हेलो, कैसे चाय बन रहा है यहाँ, इकट्ठे पानी गर्म पानी गर्म है, ये मुझे चाय पत्ती, देखिए बांग्लादेश का सिस्टम चाय बनाने का, ये भी लाल चाय ना, ठीक है, क्यों क्यों चाय गर्मा हे की माछ भाई सिल्वर, ये निकालो के बाहर से निकालो भाई, लिखता कैसा है, अरे बाबा कतो दाम, 150 किलो। हेलो भाई लोग, अभी टाइम बच चुका है 12, तो आपका भाई का अभी तक ना गाड़ी खाली नहीं की है, पार्टी साहब बोले तो सुबह में खाली कर देंगे, अभी गए पूछने का है तो बोले एक पार्टी से बात हो रहा है, वो मान लेगा तो खाली कर देंगे। मछली वगैरह बहुत सुंदर सुंदर मिला था जी, ताज़ा ताज़ा मछली, तो मछली लेने का मन था, मछली बना फिर बोलिएगा भैया लोग रोज़ मछली खाते है, उसने नहीं बनाया, तो बना रहा हूँ आज दाल भात चोखा, तो इसमें मैं चढ़ा दिया हूँ दाल आलू, और देखिए आज बनाऊँगा मैं भूल गए थे जी, मैं गाड़ी में रख रहा था मेरा बहुत सामान, बाकी हम याद नहीं रहता है, देखिए इसको बिहार में बोलता है तिलौरी, तिलौरी हाँ इसको तिलौरी बोलता है, ये ना चावल से बनता है, चावल को पीस के उसमें नमक वमक क्या क्या डालते हैं, तो माँ ने मुझे बना कर देते हैं जब जब घर जाते हैं ना, तो बड़ी तिलौरी सब देते हैं बना के, तो इसको मैं बनाऊंगा तेल में छानेंगे, और खाने में इसका स्वाद कहाँ बोले भैया, दाल भात चोखा में मज़ा आता है। चाचा के ना मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया, बात नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं, खाना खाइएगा दाल भात चोखा, हवा तो आज खाएंगे, समझे कि नहीं, आज खाना खाएंगे, और दिन नहीं खाते, नहीं होटल में खाएंगे, क्योंकि होटल है बहुत दूर, कतो दूर हो गए 2 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से होटल है, तो आज खाएंगे, तो चलिए चावल वैसे बना लेंगे। दाल भात हो गया है, अब बनाते हैं तिलौरी को छानते हैं तेल में, ये कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल डालते हैं, तेल गर्म हो चुका है, अब इसको डालते हैं, देखिए तिलौरी, देखिए अब देखिए, अब हेलो आलू को फ्राई करते हैं चोखा के, ये गया अरे बाबा रे,
खाना बन चुका है और चाचा भी आए नमाज पढ़ गए। अभी टाइम 2 बज गया, समझे कि नहीं। जब से इनको आसाम में बैठे हुए थे, नीचे बिठाइए। काका के ना होटल बहुत दूर है, उसे गाड़ी में खा रहे हैं, गाड़ी में खाते नहीं है, लाइए। बोलो और दो, दो, दो। बस तोड़िए। ये देखिए दाल। अच्छा दाल घर पे बनता है चाचा? हाँ? मोटा मोटा ये दे दो, ये दे दो। आपका भाई ना दाल कभी बनाता है पतला, मैं खाता ही नहीं हूँ, मुझे अच्छे लगता है। चोखा पहली खाने लगा, भूख लगा हुआ है। अरे बाबा अचार, अचार खाइएगा, ये नहीं खाइएगा। दाल भात चोखा अचार और एक तिलौरी है। अच्छा है ना, खाया है ना। बोलते हैं बहुत सुंदर है। रात के 2 बजने वाला है। आज देखिए अभी गाड़ी खाली कर रहा है। 2 बजने वाला है ना, 2 बज जाएगा तो देखिए गाड़ी अभी खाली कर रहा है। आज हम लोग खाना भी नहीं खाए, पाउडी खाए। देखिए बहुत बहुत लफड़ा हुआ जी, बहुत मत हमारी हुआ, समझे नहीं। गाड़ी खाली नहीं कर रहे थे, देखिए लेबर भाई लोग खाली कर रहे हैं अभी। तो बस अभी 10 मिनट में खाली हो जाएगा। सबका भाई आज खाना भी नहीं खाया, ये पार्टी बहुत लफड़ा वाला है जी, परेशान करके रख दिया, समझे नहीं। सुबह से बोले खाली करो खाली करो, तो रात में लगाया है 10 बजे, अभी तक 2 बज गया, 2 बजने वाला है। माथा दर्द कर रहा है जी आपका भाई का, टेंशन में अब खाना वाना भी नहीं बनाए, समझे नहीं। वैलो ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि वैलो आपका भाई का सर बहुत दर्द कर रहा था, समझे नहीं, टेंशन से। वैलो ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग सनिस्ट ब्लॉगों में, और भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।